ये जो पुलिस इंस्पेक्टर है एपीआई खन्ना के, इसको बचाने के लिए सारा पुलिस महकमा पूरा अपना अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बहुत घिनौनी हरकतें हैं पुलिस। तो जैसे ही सूटे तो कामटी के पुलिस सिपाही जो है वो गाड़ी लेके सेंट्रल जेल में गए। सेंट्रल जेल के झंडे के सामने में इनको पकड़े सुशील यादव को। जैसा ही वो सेंट्रल जेल से बाहर निकलता है वैसे ही उसको धर दबोचे, उसका अपहरण किए और उसको कामटी पुलिस स्टेशन में लेके आए। कामटी पुलिस स्टेशन में लेके आने के बाद में उसको बहुत मारे। बहुत मारने के बाद में उसके मुंह में जहर डाल दिया, उसकी हत्या करने की। इससे रेशमा उसके पिता रेशमा के नाम से एक झूठी लिविंग सर्टिफिकेट बनवा के लाए उन्होंने एमपी से। सुशील की पुश्तैनी जमीन है घोरपुर में, तो वो पुश्तैनी जमीन का वाद शुरू है कोर्ट में। तो वो पिता उनके सुशील यादव के पिताजी की फर्जी और बोगस सिग्नेचर करके एक एग्रीमेंट बनवाया था वो सामने वाले पार्टी ने। तो उनके ऊपर हमने कामटी कोर्ट से हमने ऑर्डर मिला है। उसके आदर से वो ऑर्डर के हिसाब से वो जो है सामने वाली पार्टी जो कोर्ट में गई हुई है, दिलीप विशुमल आसवानी, भावेश तुलसीदास आसवानी और उमाशंकर मरोठे, इन तीनों के ऊपर वो 20/8/2020 को FIR कामटी पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर्ड हुआ। उसका नंबर है 410/2020। यह जो गुना दो यह FIR जो है ये FIR 420 468 471 477 और 34 के तहत रजिस्टर्ड हुआ है। अब ये जो FIR है उसका जो तपास है, ये तपास का काम API कर्नाके को दिया था। अब API कर्नाके ये तपास कर रहे थे तब उन्होंने उनको ये तपास बंद करने के लिए सामने वाली जो पार्टी है दिलीप विशुमल आसवानी, भावेश तुलसीदास आसवानी और उमाशंकर मरोठे, इन्होंने 5 लाख रुपए की रिश्वत दी। ऐसा तो कहा जाता है कि इनको 20 लाख रुपए दिया गया। वो पैसा वो मनीष कलवानिया को भी मिला हुआ है और जिसके चलते ये API कर्नाके ने और मनीष कलवानिया ने वो केस बंद करने के लिए बी फाइनल रिपोर्ट कामटी कोर्ट में भिजवा दी है और उसको हमने अभी प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की है। तो मनीष कलवानिया जी जो है जनता को बताइए ये कौन है? ये जो मनीष कलवानिया जो थे ये मनीष कलवानिया परिमंडल 5 के DCP थे, जिनके ऊपर जिनके खिलाफ जब इनके सुशील यादव के ऊपर जब इनको रात के 3 बजे इनको अरेस्ट किया गया, कानून के चलते उन्होंने रात को 3 बजे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके घर में पुलिस फौज 50 पुलिस को भेज के इनको रात को 3 बजे अरेस्ट करवाया है। फिर उसके बाद में दूसरे और एक मामले में इनको अरेस्ट करवाया जिसके चलते इनकी जो पत्नी है सुशील झब्बूलाल यादव, इनकी जो पत्नी जो है मनीषा, वो मनीषा ने 8 City 1 के तहत मनीष कलवानिया के ऊपर मनीष कलवानिया को तड़ी पार करने के लिए नागपुर के स्पेशल कोर्ट में SC ST 8 City 1 के तहत मामला दर्ज कराया था। 8 City 1 के तहत जो मामला दर्ज हुआ उसका नोटिस मनीष कलवानिया और पुलिस को मिलते ही मनीष कलवानिया ने अपनी ट्रांसफ़र यहाँ से औरंगाबाद करवाई और वो औरंगाबाद चले गए, लेकिन बाकी के जो सारे लोग जो है वो नागपुर में ही है क्योंकि वो इतने पावरफुल नहीं है, वो अपनी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। मनीष कलवानिया DCP IPS है तो उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र करके औरंगाबाद चले गए। ये वो शख्स है, उन्होंने इनको तकलीफ दी। सर एक बात ये बताइए आपकी ये जो इन पे कौन सी कलम लगी थी जिसकी वजह से 50 पुलिस 3 बजे रात में इन पे गई? क्या ऐसा बहुत बड़े ये आतंकवादी तो नहीं थे जो इतनी पुलिस के साथ 3 बजे ज़रूरी था क्या उठाना? ऐसी कौन सी कलम लगी इनके ऊपर? हाँ मैं बताता हूँ क्या हुआ कि ये सुशील यादव का जो मामला था जिन्होंने 5 लाख रुपये का वो रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे API कर्नाके के ऊपर, तो API कर्नाके चिढ़ गया। तो API कर्नाके के चिढ़ने के बाद में वो जिसमें जो विटनेसेस थे कि जिनके सामने में 5 लाख रुपए की रिश्वत API कर्नाके ने उसके घर पर ली थी, आरोपी जो उमाशंकर मरोठे थे उसने 5 लाख रुपए की रिश्वत API सुरेश कर्नाके को उसके घर पे दी थी। तो वो जब पैसे दिए थे तब वहाँ पे जो विटनेस थे वो विटनेस के नाम सुशील यादव ने जो कंप्लेंट की थी पुलिस को, पुलिस महकमे को, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को, उसमें उनके नाम डाले हुए थे। तो उनको धमकाने के लिए API सुरेश कर्नाके और मंगेश काड़े नाम का पुलिस इंस्पेक्टर वो कनान गए थे और कनान जाने के बाद में उनको धमका रहे थे। तो उतने में ये सुशील यादव वो जो सुनील पिल्ले नाम के व्यक्ति जो है जो विटनेसेस है उनके दुकान में गैस सिलेंडर लेने के लिए गए थे।
तो सुशील यादव को भी उन्होंने धमकाया, गाली गलौज किया। इसके चलते सुशील यादव ने कनान के पुलिस स्टेशन में उनकी रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर वो जो क्या बोलते हैं उसको एपीआई कर्नाके के ऊपर 25/1/2022 को एक एनसी दाखिल हुई 506 के तहत। उसका नंबर है एनसी नंबर 41/2022। दूसरी बात यह है कि ये एपीआई कर्नाके ने एक कनान की जो लड़की है वो उसका नाम है मनश्री अरबत, ये मनश्री अरबत जो है ये मनश्री अरबत के साथ में इसने रेप किया। तो मनश्री अरबत के ऊपर रेप करने के बाद में उसने मनश्री अरबत ने एपीआई कर्नाके के ऊपर गुना दाखिल करने के लिए रेप के अपराध के तहत गुना दाखिल करने के लिए कामटी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दी है। लेकिन एपीआई कर्नाके ये पुलिस होने के कारण वो जो लड़की है मनश्री अरबत उसकी शिकायत के आधार पर एपीआई कर्नाके के ऊपर कामटी पुलिस ने आज तक कोई भी गुना दाखिल नहीं किया, जिसके चलते मैंने वो मनश्री अरबत की जो केस है इसके ऊपर गुना दाखिल करने के लिए मैंने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि सुशील यादव के खेत पे एक लड़का काम कर रहा था जिसका नाम चमरूलाल मेलाराम दुर्वे है। इसने एक लेडीज को एमपी से भगा के लेके आया, अपने साथ में लेके आया, तो इसकी जानकारी वो सुशील यादव को नहीं थी। अब ये चमरूलाल मेलाराम दुर्वे ने क्या किया, सुशील यादव के जेब में से 20,000 रुपये चोरी करके भाग गया, दोनों भाग गए। उसके बाद में चोरी करने के भागने के बाद में उसको सुशील यादव को पता नहीं चला, लेकिन वो अचानक उसको वो भिलगांव में वो एक दुकान में काम करते हुए दिखा। तो सुशील यादव ने उसको पूछा कि तू मेरे पैकेट में से 20,000 रुपये चोरी लेके करके लेके भाग के आया हुआ है, वो मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो मैं तेरे खिलाफ में पुलिस रिपोर्ट करूंगा। अंततः वो तैयार हो गया और उसने 10,500 रुपये सुशील यादव को वापस कर दिए। लेकिन सुशील यादव को ऐसा लगा कि इसने और कुछ सामान चोरी करके लेके भाग गया होगा, इसलिए वो अपने खेत पे जाके देखा तो खेत पे उसका गैस का सिलेंडर, सिगड़ी, रेगुलेटर, ये सब सामान नहीं थे। तो सुशील यादव ने क्या किया, सुशील यादव ने उसके खिलाफ में 8/2/2022 को कामटी पुलिस स्टेशन में पुलिस रिपोर्ट की। तो सुशील यादव के रिपोर्ट के आधार पर कामटी पुलिस ने चमरूलाल मेलाराम दुर्वे के खिलाफ में 380 के तहत FIR रजिस्टर करवाया। अब FIR रजिस्टर करने के बाद में जो तपासी अधिकारी था उसने उसको 41A का नोटिस, CRPC के कलम 41A के अंतर्गत उसको सूचना पत्र देके उसको बुला लिया। उसके बाद में उसको पता API कर्नाके को मालूम हुआ कि ये चमरूलाल मेलाराम दुर्वे के ऊपर सुशील यादव ने गुना दाखिल किया, तो कर्नाके ने उसको ढाल बनाया वो चमरूलाल मेलाराम दुर्वे को, और उसके नाम से यशोधरा पुलिस स्टेशन में जाके एक रिपोर्ट दर्ज करवाई सुशील यादव के नाम से 384/2594/506 और एट्रोसिटी एक्ट के तहत। अब गुना दाखिल हो गया 11/3/2022 को गुना दाखिल कर दिया यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में। ये API कर्नाके जो था ये पहले कामटी पुलिस स्टेशन में कार्यरत था, लेकिन जैसे ही उसकी कंप्लेंट की गई, इसने 5,00,000 रुपये आरोपी से लिया, तो API कर्नाके को पुलिस ने सीपी ने कामटी पुलिस स्टेशन से हटा के यशोधरा पुलिस स्टेशन में अटैच कर दिया, तो वो यशोधरा नगर में गया। अब इसने देखा कि ये जो है चमरूलाल मेलाराम जो दुर्वे जो है ये भिलगांव में एक किसी दुकान में काम करता है, तो उसका फायदा लेते हुए उसने उसके नाम से यशोधरा पुलिस स्टेशन में जाके सुशील यादव के खिलाफ में चमरूलाल मेलाराम के नाम से एक FIR रजिस्टर करवाया 384/504/506/294 और एट्रोसिटी एक्ट के तहत ये करवाया। फिर उसके बाद में 14 तारीख को उसने एक लेडीज को रेशमा पुरुषोत्तम उई के नाम के लड़की को वो चमरूलाल मेलाराम दुर्वे की बीबी बनवाया, और वो औरत अलग है, उसको चमरूलाल ये जो रेशमा पुरुषोत्तम उई के नाम की जो औरत है वो इसकी चमरूलाल मेलाराम दुर्वे की बीबी नहीं है। तो इन्होंने वहाँ से लेके आए, मध्य प्रदेश से लेके आए उसको, वो रेशमा को चमरूलाल की बीवी बनाया और उसके नाम से कामटी पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो उसके रिपोर्ट के आधार पर सुशील यादव के खिलाफ में कामटी पुलिस स्टेशन में 354/506/294 और एट्रोसिटी एक्ट के तहत गुना दाखिल हुआ 14 तारीख को। अब 15 तारीख को क्या किया, 15 तारीख को इन्होंने ACP ने और
यशोधरा नगर के पुलिस इंस्पेक्टर थे, इन्होंने सुशील यादव के घर में, सुशील यादव ये अपने परिवार के साथ में ये वैशाली नगर में रहते हैं, तो रात के साढ़े तीन बजे यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के लोग बा पुलिस और पुलिस सिपाही सुशील यादव के घर पर गए यशोधरा नगर में, और रात के 3:30 बजे उनको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लेके आए। उसके बाद में 3:30 बजे दोपहर में 3:30 बजे 15 तारीख को उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया। कोर्ट ने बोला कि ये सारे सेक्शन अवेलेबल है, तो आपने उनको अरेस्ट कैसे किए, उनको छोड़ देना था पुलिस स्टेशन से। तो फिर उन्होंने लगे एकदम इमिडिएटली उन्होंने एमसीआर, वो पीसीआर लेके आए थे, उसको एमसीआर किए और सादर किए, और कोर्ट ने उसी दिन 1 तारीख को वो सुशील यादव को बेल दे दिया। अब ये लेकिन क्या है, लेकिन वो जो है उसको जेल में भेजना पड़ा, सुशील यादव ये जेल में गया, क्योंकि वो एट्रोसिटी एक्ट में ऐसा होता है कि जब तक के जो कंप्लेनेंट रहता है उसको भी सुना जाता है। लेकिन फिर वो उसको जो नोटिस भेजने में एक दिन लग गया, वो 16 तारीख को फिर से वो बेल की एप्लीकेशन लगाए और 17 तारीख को उनको बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद में उनका 17 तारीख को सुशील यादव का जो बेल रिलीज ऑर्डर जो है हमने सेंट्रल जेल में डाल दिया। अब 7 बजे उनको 7:30 बजे वो सेंट्रल जेल से छूट गए। तो जैसे ही छूटे तो कामटी के पुलिस सिपाही जो है वो गाड़ी लेके सेंट्रल जेल में गए, सेंट्रल जेल के झंडे के सामने में इनको पकड़े सुशील यादव को। जैसा ही वो सेंट्रल जेल से बाहर निकलता है वैसे ही उसको धर दबोचे, उसका अपहरण किए और उसको कामटी पुलिस स्टेशन में लेके आए। कामटी पुलिस स्टेशन में लेके आने के बाद में उसको बहुत मारे, बहुत मारने के बाद में उसके मुंह में जहर डाल दिया उसकी हत्या करने की। इससे अब वो जहर डालने के कारण सुशील यादव की तबीयत जो है वो पुलिस कस्टडी में बिगड़ गई। तो बिगड़ने के बाद में सुशील यादव की तकलीफ होने लग गई, तो जोर से चिल्लाने लग गया, तो पुलिस के ऊपर कुछ आ जाएगा, पुलिस फंस जाएगी। इसको सुशील यादव को रात को 3 बजे मेयो हॉस्पिटल में जाके एडमिट करवाया पुलिस वालों ने। रात उसकी दिन में ट्रीटमेंट चालू थी, उसको वो उसको उसके मुंह में जहर डालने से उसकी तबीयत खराब होगी, उसके पेट से जहर निकाला गया, उसके बाद में उसको रिलीफ मिला। उसके बाद में रिलीफ मिलने के बाद में उसको उसी दिन पुलिस कोर्ट में सादर किया गया, प्रोड्यूस किया गया। अब सुशील यादव ने उस स्पेशल कोर्ट को बताया कि इन लोगों ने मेरे को वो जैसे मैं पहली बेल में जो यशोधरा नगर में जो FIR मेरे खिलाफ में जो FIR रजिस्टर हुआ है उसमें मेरे को पुलिस ने अरेस्ट किया, स्पेशल कोर्ट में प्रोड्यूस किया, स्पेशल कोर्ट ने MCR मंजूर किया, मेरे को जेल में भेजा गया, फिर मेरे को दूसरे दिन मेरे को बेल मिली। और जैसे ही बेल में मैं रिलीज होकर बाहर निकल रहा था तो कामटी के पुलिस आए, उन्होंने मेरा अपहरण किया, मेरे को कामटी पुलिस स्टेशन में लेके गए, मेरे को मारे और मेरी हत्या करने के इरादों से मेरे मुंह में जहर डाल दिए। लेकिन मैं उल्टियाँ हुई, मेरे को तकलीफ बढ़ गई, तो तकलीफ बढ़ने के कारण मुझे फिर उन्होंने अंततः मेरे को मेयो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, और एडमिट करवाने के बाद में अभी मैं ठीक हूँ, तो मेरे को उन्होंने पुलिस स्टेशन में मेरे को कोर्ट में प्रोड्यूस किया और MCR लिया। और उसके बाद में कोर्ट ने सुशील यादव का, स्पेशल कोर्ट ने सुशील यादव का जो कहना है वो रिकॉर्ड किया, और उन्होंने सेंट्रल जेल को लेटर लिखा कि इनको बराबर ट्रीटमेंट दिया जाए, जब तक कि इनको बेल नहीं मिलती तब तक कि इनको ट्रीटमेंट दिया जाए। फिर सुशील यादव को दूसरे दिन इनको बेल मिल गई, वो बेल आउट हो गए। और इस तरह कैसे ये जो पुलिस इंस्पेक्टर है API करना के, इसको बचाने के लिए सारा पुलिस महकमा पूरा अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बहुत घिनौनी हरकतें हैं पुलिस वालों की। सर आपने इनको कोर्ट में नहीं खींचे क्या पुलिस वालों को? पुलिस वालों के खिलाफ में मैंने हाई कोर्ट में 2 रिट फाइल किया हुआ है, और इनके खिलाफ में स्पेशल कोर्ट में भी मैंने केस डाल दिया हूँ, और अभी जो और 2-4 केसेस इनके ऊपर डालनी है। और हम लोग जो है वो जो चमरूलाल मेराराम धुर्वे जो है जिसको शेड्यूल का गोंड जात का शेड्यूल ट्राइब का है करके इन्होंने जो कागज पत्र बनाए हैं, ये मनीष कलवानिया ने, नयन आलूरकर ने, संतोष खांडेकर ने, संतोष वैरागड़े ने, API कन्ना के ने,
उसके बाद में पिया है गड्डी मैंने, और जो जो ये जो बाकी के जो ये है इन्होंने, वो चमरूलाल मेराराम दुर्वे और रेशमा चमरूलाल दुर्वे, इनके जो जात के कागज पत्र बनाए हुए हैं, शेड्यूल ट्राइब के जो बोगस कागज पत्र बनाए हैं, उसको कागज पत्र हमारे पास में आ चुके हैं। हमने उसका वेरिफिकेशन भी लखनादून से उसका वेरीफाई भी उसको वेरीफाई भी किया हुआ है कि ये कास्ट सर्टिफिकेट आपने जारी किया है क्या। तो उन्होंने हमको लिख कर दिया लखनादून के एसडीओ ने कि हमने इस प्रकार की कोई कास्ट सर्टिफिकेट चमरूलाल मेलाराम ध्रुवे के नाम से हमने कोई जारी नहीं किया। इसका मतलब साफ साफ दिखाई पड़ता है कि सुशील जब्बूलाल यादव इनको झूठे केस में फंसाने के लिए मनीष कलवानिया, नयन आलूरकर, संतोष वैरागड़े, संतोष खांडेकर, गड्डी में एपीआई करना के ने ये समरूलाल मेराराम ध्रुवे, इसकी कास्ट सर्टिफिकेट, इसका आधार कार्ड, इसकी लिविंग सर्टिफिकेट, ये सारे कागज पत्र इन्होंने झूठे बनाए, और उसके आधार पर उन्होंने चार्जशीट कामठी पुलिस स्टेशन ने घाई घाई में जल्दबाजी में चार्जशीट भी स्पेशल कोर्ट में दाखिल कर दिया है। लेकिन हमने स्पेशल कोर्ट को निवेदन किया हुआ है कि ये तो बोगस कास्ट, ये तो बोगस चार्जशीट है, तो ये पुलिस वाले के ऊपर जिन्होंने तपास किया है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसा हमने माननीय कोर्ट को विनंती की है। अभी वो प्रोसीजर चालू है, सर लेकिन ऊपर गुना दाखिल होगा 331, 330 एट्रोसिटी एक्ट जो हमने डाले हुए हैं, और हमने वो जो रामदेव बाबा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू स्लीप ये मौलिक अधिकार है, तो पुलिस वाले रात को जाके पुलिस स्टेशन किसी आरोपी के घर में जाके उसको तकलीफ नहीं दे सकते, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये तो सुशील यादव जो है इतना बड़ा आतंकी भी नहीं है, इतना बड़ा खूंखार अपराधी भी नहीं है, और ऐसा कोई बड़ा अपराध भी नहीं किया है, जबकि वो जो चमरूलाल मेलाराम ध्रुवे जिसने इसके सुशील यादव के खिलाफ में जो गुना दाखिल करवाया है यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में, तो वो तो बोगस है, उसके ऊपर पहले गुना दाखिल हुआ है। वो चमरूलाल मेराराम दुर्वे जो है उसके ऊपर सुशील यादव ने कामठी पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया था, उसका बदला उसने तो उसको तो मालूम ही नहीं है। वो चमरूलाल मेराराम दुर्वे को तो मालूम ही नहीं है कि कहाँ पर यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, वो तो एमपी का है, उसको तो मालूम ही नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, किस रास्ते से जाना पड़ता है, वो कामठी पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, किस रास्ते से जाना पड़ता है, किसको मिलना पड़ता है, ये तो उसको मालूम ही नहीं है। ये तो एपीआई ने एपीआई करना के और उसके जो सहयोगी है उन्होंने उसको पता न करते हुए, वो चमरूलाल मेराराम दुर्वे को पता न करते हुए उसके नाम से एफआईआर करवाए, उसका खुद बयान बनवा दिया, और वो सुशील यादव के ऊपर बोगस एफआईआर किया और बोगस चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की हुई है। सर ये बहुत अच्छी बात है। और अब कब तक का इसका फैसला हो सकता है, आप कुछ बता सकते हैं? ऐसा ये न्यायपालिका है, न्यायपालिका जब भी हम तो न्यायपालिका को जो भी न्याय देंगे उसको हम मान्य करेंगे, और न्यायपालिका निश्चित इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि ये इतना इतना बोगस कार्यक्रम है कि हमारे पास में सबूत है। वो चमरूलाल मेलाराम ध्रुवे या रेशमा चमरूलाल ध्रुवे इन नाम का कोई, ये रेशमा चमरूलाल ध्रुवे नाम की लेडी ही नहीं है, उसका नाम तो चमरूलाल पुरुषोत्तम, ये उसका नाम तो रेशमा चम पुरुषोत्तम उइके है, उसको दो लड़के हैं, पति है, उसको भगा कर लेके आए पुलिस वाले, उसको पैसे का लालच देके कि तेरे को 6.5 लाख रुपए मिलेंगे तू इस नाम से पुलिस रिपोर्ट कर, वो बेचारी पैसे के लालच में आके सुशील यादव के नाम से, सुशील यादव के खिलाफ में रेशमा चमरूलाल दुर्वे के नाम से रिपोर्ट डाल दिया। अब उसके पास में आधार कार्ड भी नहीं है, उसके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो